फाइनली इलेक्शन हो चुका है और जीतने वाले इलेक्शन जीत भी चुके हैं और शाद अली ग्रुप जो है बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीत चुका है। आज तक सब में पहुंच चुके हैं और आज सेलिब्रेशन होगी, मुख्तलिफ दोस्तों से मुलाकात होगी और उनको मुबारकबाद देंगे। कल यहाँ से ही व्लॉग शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि शाद अली ग्रुप जो है बड़े मार्जिन से विन करेगा। अंदर चलते हैं, देखते हैं आज की क्या सुनता है। काफी मेहनतें करने के बाद आज यहाँ कुछ सन्नाटा लग रहा है और आपको आज चेयर्स खाली नजर आ रही हैं। कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमेशा मौजूद होते हैं और इन्हें किसी तरह के हालात में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जंगी लोग हैं। मुबारकबाद की फ्लैक्सें जो हैं वो अवेजा कर दी गई हैं। पार्किंग ताहाल फैसलाबाद का सबसे बड़ा मसला है, जिसको हल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है पैदल चलना जब आप देखते हैं कि हर तरफ ये देखें तो बहुत मुश्किल है। फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ट्रैफिक के लिए, पार्किंग के लिए हाल कोशिश नहीं हुई बड़ी कोई। मकवी क्लिनिक पर पहुंच चुके हैं, डॉक्टर साहब पेशेंट चेक कर रहे हैं। इस बात को सिलसिले जारी है। भूखे लेने के लिए टीम जा रही है इस वक्त, भूखे कहाँ से मिलेगा यही सोच रहे हैं। भूखे तो लेना ही पड़ेगा। हाँ वो तो बनता है भाई, वो तो बनता है, बनते हार भी बनते, हार भी बनते हैं, भूखे भी बनते हैं। हमारे दोस्त ही काशिफ साहब तो सेक्रेटरी बने और बब्बर शेर, नदीम जासानी और उसके साथ जितने भी दोस्त हैं ग्रुप के साथ, शाद अली ग्रुप पूरा जो है वोट ठोक के मामला ठोक के जी। और ये कल पहले पेज पर एक आती थी हमने, इलेक्शन जो है शाद अली ग्रुप भरपूर अंदाज से जीत रहे हैं और फिर रात को भी जश्न और अभी भी जश्न हो रहा है। साथियों का यही जो इकट्ठ है ये मालूम है बड़ा जरूरी और बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे पता लगता है कि हर जो फोर्स है, जैसे आप देखते हैं कि पुलिस आपस में इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, ऐसे साथियों का भी इत्तेहाद है। अभी अली गौर साहब आपको प्रेस क्लब जाके दिखाएंगे कि क्या जो है वो साथियों का इकट्ठ क्या। अभी हम यहाँ रोड में अभी रश भी आप देखें, फैसलाबाद का सबसे बड़ा मसला एक बार फिर से पार्किंग का मसला है। या ग्रेट क्लॉक टावर फैसलाबाद, हिस्टोरिकल क्लॉक टावर फैसलाबाद नजर आ रहा है। क्लॉक टावर की तरफ जा रहे हैं ताकि वहां से माला और बूके जो है वो ले सकें और प्रेजेंट कर सकें हमारे इलेक्शन जीतने वाले दोस्तों को। आप भी साथ रहिएगा, देखिएगा आज जश्न जो है भरपूर अंदाज में आ जाए। हिस्टोरिकल क्लॉक टावर फैसलाबाद इस वक्त चंद ही फरलांग के फासले पर आ गया। ये है जजी अखबार वाले, इनसे जो है सब अखबार मिल जाती हैं। और यहाँ देखिए आप, ये देखिए कामरान के काम चेक करें, शाम को अखबारें देख रहे हैं, सुबह को टाइम नहीं मिला था। नहीं सर, प्रवास देख रहे हो आगे। फैसलाबाद का तारीखी एनकाउंटर, आज की कवरेज आप देख रहे हैं, ये भी खबर है और यहाँ पर भी ये खबर है, फोटो भी आप मुलाजा फरमा सकते हैं। और ये भी एक खबर है, क्लॉक टावर के अहाता के अंदर जाएंगे, अभी आप देख रहे हैं गेट से बिल्कुल सामने। और हमारा बेली जो है वो देखें आप, पा आजम शहजादा, पा आजम आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ पर खुशगवार मूड में है। अभी आप खुशगवार मूड में जब भी देखेंगे पा आजम के साथ, हमेशा खुश रहते हैं, खुशगवार मूड में रहते हैं, इनके साथ जब भी हम लगा घुमा सकते हैं।
और ये घंटाघर अगर आज जहाँ पर अपनी जगह पर है तो इसमें सारा किरदार पर आजम का है। लगी कर रहे हैं आठ बाजार मशहूर हैं, ये सब सामने आप देख रहे हैं। चिन्योट बाजार है, अमीपुर बाजार है, वो बुआना बाजार है, ये जंग बाजार है और मिंट गुमरी बाजार है इस तरफ। जी बिल्कुल, इस तरफ मिंट गुमरी बाजार है, कारखाना बाजार है और इस तरफ अगर हम थोड़ा सा आएंगे तो ये रेल बाजार है और बिल्कुल सामने ये कचहरी बाजार है। जी आठ बाजारों का शहर मशहूर है फैसलाबाद और यहाँ पर हिस्टोरिकल क्लॉक टावर मौजूद है जिसे इसकी बुनियाद 1903 में सर चार्ल्स रवाज ने रखी, उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब थे। फैसलाबाद चूंकि एक संती और तजारती शहर है तो इस लिहाज से यहाँ पर इंक्रोचमेंट ये आप देख रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारान जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उठाई हैं जो कि इंक्रोचमेंट थी। खूबसूरत मंजर है, लाइटिंग भी हो चुकी है, खूबसूरत मंजर है यहाँ पर इस वक्त। यहाँ काफ़ी फ्लेक्सिस अवेजा की गई हैं। पाजी कैसे हो, शाम हो रही है इस वक्त। ये इस तरफ भी आप देखें, इंक्रोचमेंट मुलाजमीन जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये सिलसिला फैसलाबाद में चलता रहता है। शाम हो रही है तो वो एक वो शेर मुझे याद आ गया, शाम हो गई और धुंधला गई मेरी आंखें, भूलने वाले मैं कब तक तेरा रास्ता देखूं। हैं जिन्होंने घंटेघर को बिल्कुल साफ सुथरा और संभाल के रखा है, वरना घंटेघर भी इधर उधर हो सकता था। तुम आ गया। आसफ रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, गुम गुज़िश्ता थे, काफ़ी देर घूम रहे नहीं मिले। टेलीफोन पर इनसे मिलना बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने, मैं अब क्या कहूँ किससे आपने मिलना है, खुशगवार शख्सियत है। पूरा ये घंटाघर आप देख रहे हैं, घूम रहे हैं ताकि सब कुछ आ जाए। क्या कहेंगे आज के, क्या सुनते आला, क्या रात है, कहाँ घूमें? मैंने कहा जी जादू हो रहे हैं वो देख रहा हूँ, उससे दुखा संतोष हो रहा हूँ जादू से कि कैसे कैसे जादू चाहते हैं, कैसे लोगों को आरे लगाया हुआ है। हालांकि ये खुद काम करने वाली शख्सियत है फिर भी ये जादू से तुझे बात कर रहे हैं। और हमेशा खुश रहते हैं और बहुत काबिल शख्सियत है। फैसलाबाद में ट्रैफिक के सही रास्ते पर चलना जो है वो जान जोखिम का काम है और उल्टे रास्ते पर चलना ट्रैफिक के लिहाज से ये तो इंतहाई खतरनाक है। ओहो लाइट कुछ ज्यादा हो गई है, आज तो काफी वाक भी हो गई है। हमाद एंड कंपनी के साथ घूमते कचहरी बाजार पहले घंटाघर तक गए हैं, वापस जा रहे हैं प्रेस क्लब की तरफ। उनकी स्पीड कुछ ज्यादा है, उन्होंने शायद कोई गर्म गोलियां खाई हैं। हमाद अपने दोस्तों के साथ यहां पर मौजूद है, इंतजाम मुकम्मल हो गए, इंतजाम आप देखें, ये देखें अभी नहीं हुए, अभी आ रहे हैं, अभी और भी आ रहे हैं, भूखे भी एक पहुंच चुका है तो अभी हम चल रहे हैं। ये इंक्रोचमेंट वाले देखें क्या कर रहे हैं। फैसलाबाद में पैदल चलना इंतहाई मुश्किल है, ये तो हम जानते हैं किस तरफ से जाना है, और यहाँ पर सीधी सड़कों में चलना मुश्किल है तो उल्टा चलना तो फिर इंतहाई मुश्किल है। भाई माला भी मंगा ली है, कचहरी बाजार का ये बॉर्डर है जो दूसरी तरफ जिला काउंसिल की तरफ और हम प्रेस क्लब की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। गाड़ियों का रश आप देख रहे हैं, किधर किधर से लोग आ रहे हैं, ये देखें। फैसलाबाद ट्रैफिक से बच के निकलना सबसे मुश्किल काम है, ये देखें। वीकली फर्ज जो है अपने पूरे फर्ज अदा करेगी, चीफ एडिटर वीकली फर्ज और हमारे एडिटर जो है वो भी साथ हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हाफिज तनवीर साहब मौजूद तो नहीं है लेकिन वो भी पूरे जोश के साथ हैं। जनाब दिलों में बसते हैं हाफिज तनवीर साहब, बाद में आएंगे वो भी पूरे जोश के साथ इंशाल्लाह। प्रेस क्लब की जानम हमारा वफद रवा दमा, इस वक्त पूरा मार्च किया है, अभी आप देखें बहुत करीब पहुंच गया, रश भी एक बार फिर से ज्यादा है। फैसलाबाद में हर तरफ आपको गाड़ियों के कब्रिस्तान नजर आएंगे, गाड़ियां ही गाड़ियां।
ये देखें जरा संघर्ष, ये देखें ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर के सामने ही ट्रक खड़ा है, ये देखें, ये आप जरा देखें, और गाड़ियां ही गाड़ियां आगे। फैसलाबाद गाड़ियों के बगैर नहीं रह सकता, और गाड़ियां फैसला जिंदाबाद पहुंच चुके हैं। ये जिंदाबाद के नारे वैसे में शुरू हो गए, ARY की गाड़ी आप देख रहे हैं। बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और इस वक्त चलने को बिल्कुल दिल्ली कर रहा, जी 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 दोस्त आ रहे हैं, ये हमारी फ्लक्सें आ रही है दोस्तों की, पूरे ग्रुप की। मार ये बताएं कैसा इलेक्शन रहा, कितना मजा आया आपको? सर इलेक्शन में तो रात 3 बजे गए हम अपने सदर की अनाउंसमेंट सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन वालों ने हम पे तरस नहीं खाया ना, हमारे सदर साहब ने कुछ पूछा कि यार खाना ही खा लो, उनका सादा लफ्जों में ये कहना है कि खलियां पड़ गई थी कल। वेट करेंगे एक बार फिर से दोस्तों का, टीम पहुंच गई। आज पूरी मुबारकबाद का जश्न तैयार है, लड़ाका मुंडा भी पहुंच चुका है। नहीं नहीं डायरेक्टर जनाब, मैं आगे भी सपोर्ट करूंगा, डायरेक्टर है एचएमटी में, और हम जा रहे हैं अंदर फूल देने के लिए। टीम मुकम्मल पहुंच चुकी है जी, अभी जा रहे हैं ऊपर, जा रहे हैं जी ऊपर, हाल में पहुंचेंगे अभी। तो हमारे इधर हेड मैनेजर है, कोई बात नहीं, अखबार में क्या देखते आता है, ये तो है कि पहुंच चुके हैं, खजानपुर सफाई साहब भी मौजूद है और जश्न रेडी है। कम तेरा एडवांस रखा मैं बॉस, सही टाइम पे फैसलाबाद प्रेस क्लब में जश्न का समा है,